इस बार का जो पेपर था उसके बारे में बात करते हैं। तो इस बार एकदम बोलता ना, बच्चे लोगों के दिमाग में भर दिया था क्या क्या आने वाला है। तो जो जो मैंने बोला बच्चे लोगों की कि ये पढ़ के जो एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं आया, नहीं कुछ नहीं, मतलब एक सिंगल चीज नहीं आया। बराबर, मतलब मैंने बोला था इन द सेंस जो भी उनको टीचर्स ने बोला था, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए जो एग्जाम में आता है, अब हमको कैसे पता। तो भाई 12-15 साल से यही सारी चीजें देख रहे हैं, 30-30 पेपर होते हैं 15 साल में, अक्टूबर मार्च। तो अब 30 पेपर देख रखे हैं तो पता है क्या आएगा। इस बार का जो 31st पेपर आया वो एकदम सबसे अलग था, यानी हर वो क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए आता था, एक भी क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए नहीं आया। हर वो क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए आता था, वो एक भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं आया। द पेपर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स एज अ सरप्राइज। पहले कैसा होता था, कोर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था, ले डिस्टिंग्विशली 5 मार्क्स, शॉर्ट नोट लिखो 5 मार्क्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखो 12 मार्क्स, फिर 80 मार्क्स का पेपर हो गया, फिर 10 वाली चीज 8 मार्क्स की होगी, 12 वाली 5 वाली 4 की होगी, डिस्टिंग्विश 5 से 2 मार्क्स का हो गया, आपका पेपर और एक्टिविटी बेस्ड हो गया। अब आपका पेपर इतना ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड है कि पूछो ही मत, यानी जिसको कंसेप्ट क्लियर करने में मजा आता है उसके लिए पेपर बहुत ईजी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा फेल होएगा इधर, नहीं होगा, लेकिन पेपर सरप्राइज था। ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा है पेपर, आपको पेपर आ रहा है, लेकिन आप एक साइकोलॉजी के साथ जाते हैं कि अरे कॉलेज में बोला, क्लास में बोला, सब जगह बोला लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क्स के लिए फिक्स है, आएगा। पूरे पेपर में आया नहीं लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है। समथिंग विच वी आर प्रिपेयर्ड अबाउट कि लास्ट 10 साल से कंसिस्टेंट है वो क्वेश्चन, 1-2 साल से नहीं 10 साल से। मतलब अब ऐसा हो गया था कि शुरू में हमने सोचा लास्ट ईयर आया, इस ईयर नहीं आएगा, आया। फिर सोचा 2 साल हो गया अब नहीं आएगा, आया। 3 साल हो गया अब नहीं आएगा, आया। फिर हमने मान लिया कि अभी आएगा ही आएगा, और वो आता ही आता था, बाद में इस बार सीधा आया ही नहीं। तो ऐसा ना, एक 10-12 क्वेश्चंस की ना लिस्ट होती थी, फिक्स है कि इसी में से शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर बनेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो इसमें से निकल के आएंगे। वो 12-15 में से मुश्किल से 2-3 आए रहेंगे, मुश्किल से। और हर वो चीज जो पूछते ही नहीं थे पहले, वो सब पूछा था। तो इन शॉर्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि वी विल गोइंग टू डू समथिंग मैजिकल इन द मंथ ऑफ जनवरी, बराबर, हम उस वो रेस में एक घोड़ा रहता है जो अचानक से आगे निकलता है सबसे, वो हम है, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने सोच के ना फरवरी का मंथ में ना 21 सेट खरीदा और सबका पोपट हुआ, क्योंकि 21 में जो इंपॉर्टेंट था वो तो आया ही नहीं। क्वेश्चन सारे आए, आपने लेक्चर बैठा, ऐसा नहीं कि आप पेपर फेल हो गए, लेकिन समझ रहे हो ना, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं 80 out of 80 लाएगा, आप 50-60 पे सिमट गए, क्योंकि उधर आप कंफ्यूज हो गए। लॉ ऑफ डिमांड आपने कैसे पढ़ा एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो आया कैसे, तो एक पैसेज के फॉर्मेट में जिसमें क्वेश्चंस उससे रिलेट करके लिखने थे। तो मैंने तो उसको सिर्फ रट्टा मारा, कंज्यूम कर लिया, ठूस लिया, पेपर पर सिर्फ उलट देना उसको, चले आना है। अब उन्होंने क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेना है, बस मेरे को आता ही नहीं है। तो आपका पेपर पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। 8 ऑब्जेक्टिव्स की वैरायटी है, आपको आती कितनी है? 4, 8 नहीं है, 11 एक्चुअली, वो लोग बोलते 8 है। हमारे टाइम पे सिंपल था, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स, खत्म। आपके टाइम पे ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछेंगे, कहीं से भी पूछेंगे। द एंटायर पेपर विल टर्न टू बी अ सरप्राइज फैक्टर फॉर यू, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। यू कांट से दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 12 मार्क्स और मैक्सिमम उधर 16 मार्क्स, कितना हो गया, 12 और 16 28, यानी सिर्फ 28 मार्क्स ऐसा है जो बायआउट करके काम चलेगा। 28 मार्क्स के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर में जो आप बायआउट कर सकते हो। आपको हर एक चीज समझनी है, अगर आपको समझा हुआ है तो आप कोई भी आंसर लिख लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि चलो अपन लेक्चर में
बैठे तो हैं, ध्यान नहीं देंगे, बाद में कर लेंगे, सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि अभी अपने सारे पेपर एक्टिविटी बेस्ड हो गए। पहला लोग ओसी में ना 99 लाता था, हमारे इधर भी लाए ओसी बोर्ड का एग्जाम 98 99, आपको लाइन से बाहर मांगना, आपको लाइन से रिजल्ट दिखेगा, लाइन से बच्चे लाए हैं। अब 100 भी आ सकता है, लेकिन वही बंदे को आएगा ना जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले 98 किसको आता था, जो मजबूत रट्टा मार के जाता था उसको आ सकता है, या जिसको लिखने का स्किल है। आज लिखने के स्किल से ज्यादा कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए। जैसे आपने इको में देखा रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वो पढ़ के अपने को समझना है कि कौन से चैप्टर के कौन से पॉइंट को रिलेट कर रहा है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। इलेवेंथ में कितना कंफ्यूजन होता था, वही कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, वही कंसेप्ट इंडिविजुअल इनकम भी है। अब बच्चा बोलता है सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैं प्रेशर में, हाँ सही बोल रहा तू, नहीं सर ये इंडिविजुअल इनकम भी, अरे हाँ ये सही बोल रहा है, आप समझे। तो अब हमारा पेपर ना नॉलेज के साथ साथ लक पे भी चलने लगा है। लक मतलब बोर्ड ने जो सोचा तुम्हारा आंसर उसको मैच हुआ, राइट है। इंडिविजुअल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, बराबर। तो जो ज्यादा सोच लिया उसने क्या बोला, इंडिविजुअल इनकम, वो रिलेट कर पाया कि हाँ किधर, तो एक बड़े से चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट था इंडिविजुअल इनकम। आप ये चीज समझो, मेरे कहने का था है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेवेंथ का, उसमें छोटे बड़े मिला के 68 कंसेप्ट हैं। कितने कंसेप्ट हैं, आप सबने क्या पता कैसे बताया था आंसर, अब याद करके बताया था या फिर डिस्प्ले पे पेज ला के बताया था, नहीं याद आ रहा। फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, सबने डेफिनेशन बताए थे, सबने पॉइंट बताए थे, तो तुम याद करके तो बताते नहीं थे, देख के ही बताते। सिर्फ मेरे को ऐसा खुशी मिलती थी, अरे बच्चा बता रहा है आंसर, वो भी भ्रम टूटा था इसी रूम में, ट्वेल्थ वाले आए, मैं तो बहुत खुश है। मेरे को लग रहा है कि मतलब इंडस्ट्री में सिर्फ मेरा ही एक ऐसा क्लास है ना जिधर बच्चा ना इस बार ना पूरा बोर्ड फाड़ के निकलेगा। जो जो लोग आंसर देते थे, आई टारगेटेड देम, खड़े हो, लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन बोल, सर कौन सा चैप्टर, बोला ये भाई ने पूरा लॉ बताया था मेरे को 8 मार्क्स का, और इसको ये नहीं मालूम कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। उस दिन मेरा भ्रम टूटा, उस दिन मुझे समझ में आया कि वो आंसर कैसे आता था। इग्नोर करो, फिर से चला देते हैं, कोई नहीं। तो उस दिन ये चीज समझ में आई कि तुम लोग आंसर कैसे देते हो। तो अभी वैसे आंसर नहीं देना क्योंकि अभी एग्जाम होगा। इट्स अ बैड लक अगर आप नहीं पढ़ते हो तो, एंड इट्स अ गुड लक अगर आप पढ़ते हो तो आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक ही अप्रोच रखना है कि आपको कंसेप्ट क्लियरिंग अप्रोच रखना है। रट्टा मार के कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं मेरे तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको बुक में जितना दिया उससे बहुत ज़्यादा आए, बहुत सिंपल तरीके से आए। मैं चीज़ों को एकदम रॉ करके, रॉ मतलब एकदम बेसिक, चलते रोड पे के एग्जाम्पल लेंगे, रियल टाइम एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन फिर भी बींग अ ह्यूमन आई हैव अ लिमिटेशन, आई एम नॉट अ गॉड। तो होएगा कि कभी ना कभी आपको नहीं समझा, कभी आपका ध्यान नहीं रहा, या कभी मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं उतना इंटेंसली नहीं सिखा पाया। तो आपका एक ही काम रहेगा कि आपको जैसे ही डाउट आएगा वैसे ही पूछो, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव ब्रेन के साथ बैठना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं उसमें आप खो गए तो बस खत्म हो गया। तो ये ऐसे ही हमने एक थॉट ऑफ द डे बनाया था, मतलब काफी अच्छा बात लिखा, शायद आपको समझे। क्या लिखा है, कुछ समझा नहीं ना, ये मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा है थॉमस चैंडलर ने। मीन्स ऑलवेज अर्न बिफोर यू स्पेंड, ऑलवेज लर्न बिफोर यू स्पीक। क्या बोला मैं समझे,
ऑलवेज ऑन बिफोर यू स्पेंड एंड ऑलवेज लर्न बिफोर यू स्पीक. बिना सोचे बिना समझे कभी भी कुछ भी बोल देना, मजा तो आ जाता है लेकिन बाद में रिग्रेट और ज्यादा होता है. तो इसका हमारे सिलेबस से लेना देना नहीं, ऐसे ही थॉट ऑफ द डे था. बात आते आपके सिलेबस पे, फॉर्मेलिटी है, मुझको अच्छा नहीं लगता है सब चीज, क्योंकि मैं आपको सिलेबस बताऊं उसके बाद भी पढ़ना हमको एक ही चैप्टर है, सारे चैप्टर एक साथ स्टार्ट होंगे नहीं. तो आपका सिलेबस इंडेक्स में टोटल 10 चैप्टर है आपके पास, ये आपके पहले 5 चैप्टर्स, बराबर. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, एंड एट द लास्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ मार्केट. तो यहां पे आपको जो चैप्टर्स दिख रहा है, बोलोगे सर ये तो 5 चैप्टर आपने बोला, 6 दिख रहा है हमको. दिस इज नंबर 1, ये जो आपका चैप्टर है माइक्रो और मैक्रो वाला, ये आपका नंबर 1 चैप्टर है. दूसरा यूटिलिटी नंबर 2, डिमांड इज 3 एंड दिस वन इज 3B, बराबर. दिख रहा है क्या कुछ? नाउ विजिबल. फिर ये आपका 4 और ये आपका 5. इस तरीके से चैप्टर डिवाइड है. मेजॉरिटी मार्क्स कैरी करते हैं यहां पे ये लोग. पहले ऐसा था कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज था, अभी भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है. दे यूज टू बी द हैवियर. वाई? बिकॉज अर्लियर योर पेपर यूज टू बी ऑफ 144 मार्क्स. लिखना कितना था? 80. तो लोग 80 का तैयारी करते थे 144 में, यानी 13 भी नहीं. मान लो कि 12 चैप्टर है एक एग्जाम्पल, तो लोग पढ़ के कितना जाते थे? 7, और अच्छे से पास हो जाते थे. अभी वो सब हिसाब किताब बंद हो गया. अब ऐसा हो गया कि जो आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे वही पेपर में आएगा. सो व्हाट यू कीप ऑप्शनल इन द स्टडी दैट विल बी कंपलसरी इन द एग्जाम. तो अगर आप आगे जाके ऐसा पूछते हो सर इसमें से कौन सा छोड़ सकते, तो मैंने आपको आज ही बता दिया, जो पेपर में नहीं आएगा वो आप छोड़ सकते हो, और पेपर में क्या आएगा वो मेरे को नहीं मालूम, बराबर. इसलिए मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, आपको भी सब पढ़ना है, बराबर. ये बाद में हमारे नए टॉपिक्स. इंडेक्स नंबर पहले 11th में होता था, अब आपको 12th में आ गया. 11th में सिर्फ नाम का होता था, 12th में भर भर के आया. नेशनल इनकम भी पहले हमको था, चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था एक जमाने में, अभी चैप्टर नंबर 7 है, पहले से कम कर दिया है बहुत ज्यादा. पब्लिक फाइनेंस, पहले बजट नाम का 5 मार्क्स का छोटा सा चिंदी सा चैप्टर था, अब उसको पूरा अच्छे से एलाबोरेट करके प्रेजेंट करके आपके सिर पे रख दिया. अब आप मैक्स वाले हो, कभी आपको इस चैप्टर के दर्शन नहीं होते, कौन से? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के. बट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट भी आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो यहां पे इस चीज को बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे सब मैक्स वाले, एसपी वाले इस चैप्टर को 2 बार पढ़ते, एक बार मैथ्स में एक बार एसपी में. क्या? एक बार मैथ्स में एक बार एसपी में. हाँ, एक बार इको में एक बार एसपी में. तो ये टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं. हर चैप्टर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करके मतलब नहीं है. आप लोग पहले ब्रीफ का मतलब सोचते थे बड़ा, अभी मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ का मतलब होता है छोटा. तो आप तक आज तक आप जो सोचे ना ब्रीफ आंसर्स, तो आप समरी आंसर्स लिखते थे, बड़ी सी चीजों का छोटा सा आंसर, और आप उसको सोचते थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. नहीं, आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से मैं मुलाकात करवाएगा, आपके हाथ दुखेंगे, आप अंगूठे को 2-3 बार फोड़ोगे, उंगली को 2-3 बार फोड़ोगे, तब आपको समझेगा अच्छा इसको लॉन्ग आंसर बोलते हैं. आपके बुक का 5-5 पेज भरेगा कम से कम. एक टाइम पे आपको टेंशन आएगा यार 20 मिनट में लिख पाएगा क्या मैं ये, फिर कभी ऐसा आएगा पढ़ाई करना जरूरी है क्या? तो दैट विल हैपन, उसे हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलेंगे. मैं एक चीज का गारंटी दे सकता है, तुम सुन रहे हो तो तुमको याद होना ही है. हाँ, तुम बोलोगे मैं बैठ के कान बंद कर दिया मेरा, आई हैव माई ओन ड्रीम्स, रात को बहुत लंबा चैटिंग हुआ हमारा, तो फिर वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, आई विल बी आउट ऑफ द हेल्प फॉर यू. लेकिन अगर आप
वर्चुअली नहीं, एकदम सही तरीके से प्रेजेंट हो यहाँ पे। आप घर की बात घर छोड़ के आ गए हो तो फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा। तो चैप्टर वन बेसिकली मैं पहले पढ़ाता था, लेकिन अब मैं चैप्टर वन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं चैप्टर टू पहले पढ़ाता हूँ। रीजन, तो चैप्टर वन जब मैं पढ़ाता था तो याद करवा देता था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। अब आप सोचोगे ऐसा कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं होता था। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर। और चैप्टर नंबर टू इज यूटिलिटी एनालिसिस। सो ओके नाउ लिसन, इट्स नॉट लाइक दैट यू शुड कीप राइटिंग एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग हियर। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड इट। यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर बिहेवियर, दिस इज समथिंग दैट वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। How we studied, when we studied in 11th standard, so I will remind you. In 11th standard, in chapter number 1, the basic concepts of economics. वहाँ पे एक दो तीन लाइन का एक्सप्लेनेशन था, किस चीज को लेकर, यूटिलिटी को लेकर। उसके बाद आपने पढ़ा था पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, वॉटर डायमंड पैराडॉक्स। तो वहां पर यूटिलिटी के बारे में आपने पढ़ा था। Utility have many things that relates to a wants. Barabar. What are the characteristics of wants? So basically want means what? So want refers to a feeling of lack of satisfaction. So a feeling of lack of satisfaction is known as बराबर है क्या? हाँ बराबर ना, F double, अच्छा हाँ ओके। फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इज अ wants. थ्री मेजर क्वालिटीज ऑफ wants. Wants आर लिमिटलेस, यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। The more you will try to satisfy your wants, the more it will crop up. Again you want to satisfy it more, again it will crop up. Means human wants are not able of being satisfied completely. Your individual wants can be satisfied, but all of your wants cannot be satisfied. आपके मन में करोड़ों इच्छाएं, हम सबको पूरा नहीं कर सकते। हाँ, उसमें से कुछ इच्छाएं क्या हो सकती हैं? पूरा हो सकती हैं। So wants are limitless. Wants are ever increasing. ऐसा नहीं जी ये चीज मिल गया बस इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नया देखेगा फिर मेरे को वो भी चाहिए, बराबर, फिर कुछ और नया देखेंगे वो भी चाहिए। जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को टेक्नोलॉजी की इच्छा नहीं थी, बराबर। पहले हेडफोन क्या होता है वही नहीं पता था, तो वायर्ड हेडफोन आए तो लोगों ने बोला हेडफोन बहुत अच्छा है। फिर ब्लूटूथ वाले वायर हेडफोन आए तो लोगों ने बोला ब्लूटूथ वाले वायर हेडफोन अच्छे, गले में लटके रहते हैं। फिर बिना वायर वाले आ गए तो अब लोगों ने बोला कि वो वायर वाला अच्छा नहीं रहता है, बिना वायर वाला अच्छा है। फिर ऐसा आ जाएगा कान का अंदर ही कुछ डाल देंगे तो लोग बोलेंगे ये सबसे अच्छा है। सो द मोर वी सी द न्यू थिंग्स द मोर वी स्टार्ट हैविंग अ क्रेविंग फॉर इट। अर्लियर देयर वॉज नो फोन, सो पीपल नेवर नीडेड अ फोन। वॉट पीपल नीडेड? अंतर्देशी लेटर। बट स्लोली वेन पीपल स्टार्टेड हैविंग लैंडलाइन्स, एवरीबडी स्टार्टेड और ड्रीम दैट अपने घर पे भी एक लैंडलाइन होता। देन इट टर्न इन टू अ 1 किलोग्राम फोन, बराबर। उसके बाद छोटे छोटे फोन होते गए, फिर वापस से फोन बड़े होने लगे। एक टाइम आ गया था इतना छोटा फोन रहता था मोटरोला का, कैल्सी से भी पतला, ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीट। फिर उसके बाद वापस आ गया बड़े बड़े फोनों का, फिर उसका अंदर कैमरा चाहिए ये वो, मतलब अब क्या ही भर दो फोन में, अब क्या बोल सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि पीपल आर रिजिड टू अ स्पेसिफिक थिंग्स? व्हेन वी सी न्यू थिंग द वांट अगेन क्रॉप अप, बराबर।
अभी काचा बादाम खत्म हो गया. सो पीपल वेटिंग समथिंग न्यू. अब कुछ नया आएगा फिर वो चलेगा ट्रेंड में. तो बस वॉन्ट्स ऐसे ही होते हैं. जितना नया चीज देखते उतनी नई इच्छाएं क्या होती है, जागती है. इट विल नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड. उसमें तो कोई कोई चीज के लिए हमारे मन में इच्छाएं बार बार जागती हैं. दैट इज, याद है कि हमने फ्रेंच फ्राइज का एग्जांपल दिया था इधर. सो वॉन्ट्स आर लिमिटलेस, वॉन्ट्स आर एवर इंक्रीजिंग, वॉन्ट्स आर रिकरिंग. ऐसा कहते हैं कि वॉन्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रैडल एंड एंड्स टू अ ग्रेव. यानी इंसान जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से उसकी इच्छाएं शुरू होती हैं और जब तक वो जीता है तब तक उसकी इच्छाएं उसके साथ साथ क्या होती हैं, चलती हैं. तो ये तो था सिंपल सा वॉन्ट्स के बारे में. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई यू वॉन्ट समथिंग. Like why you want food? Are you hungry? हाँ तो बाहर निकलोगे टीएफटी में खा लेना कुछ. Are you thirsty? उधर पानी रखा है पी लेना. So you can have water. So what we can see that these commodities are capable of satisfying our wants. That's why they are demanded. So this is what utility all about. Why we want something? Because we need a utility. हर चीज के अंदर वो क्षमता है कि वो हमारी जरूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. So if anybody asking you what is utility, you must say that utility is capacity of commodity to satisfy human wants. Utility is capacity of commodity to satisfy human wants, or wants satisfying power of commodity. Wants Satisfying power of commodity. यानी कमोडिटी का वो पावर जो ह्यूमन के wants को क्या कर सकता है, satisfy. तो या तो हम यूटिलिटी को कह सकते हैं कि इट इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, और इवन वी कैन से इट कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन wants. सो वॉट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज neither अ कमोडिटी, यूटिलिटी इज नॉट अ सेटिस्फेक्शन, neither यूटिलिटी इज अ want, यूटिलिटी इज अ capacity. Utility is a power. So it is a power of commodity which can satisfy the want. Yaad rakhna, utility na hi want hai, utility na hi commodity hai, utility na hi satisfaction hai. Utility commodity ka wo power hai jo aapke want ko satisfy kar sakta hai. Yaani agar kisi cheez ne aapko utility nahi diya to aap usko demand karoge kya? Nahi. Barabar. कोई भी ऐसा चीज इमेजिन करो जो आपने कभी भी खरीदना चाहा, उसके लिए आपके मन में इच्छा आई और उस चीज ने आपके इच्छा को क्या किया, पूरा किया. सो दैट कमोडिटी कैरीड दैट पोटेंशियल विच सेटिस्फाइड योर वॉन्ट्स. सो एनीथिंग दैट कैनॉट सेटिस्फाई द वॉन्ट ऑफ पीपल विल नेवर गोइंग टू बी डिमांडेड. पीपल विल ऑलवेज गोइंग टू डिमांड दोज थिंग्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वॉन्ट्स. ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं ही आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, That utility is a base of demand. यानी demand का आधार क्या है? Utility. हम अपने life में चाहे शौक चाहे जरूरत कुछ भी खरीदे, हमेशा हम उन चीजों को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो चीजें हमारी जरूरतों को क्या कर सकती है, पूरा. आपको कहीं आना जाना है, सस्ते गाड़ी से भी काम चल जाएगा, महंगा गाड़ी भी खरीद सकते हो, अल्ट्रा महंगा गाड़ी भी खरीद सकते हो, बट एट द एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग योर वॉन्ट्स. कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ बैड साइकोलॉजिकल जजमेंट आप ऐसी कोई चीज खरीद लेते हो जिसका आपको सिर्फ रिग्रेट होता है, क्योंकि वो चीज आपके वॉन्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है. बराबर, उसको बोलता है इंपल्सिव बाइंग. सेल्समैन ने चढ़ा दिया, अपन भी चढ़ के खरीद लिए, बाद में क्या क्या ले लिया, क्यों ले लिया.
तो अगर कोई चीज आपके वांट को सेटिस्फाई करे तो कभी भी आपको बर्डन नहीं लगेगी, लेकिन कोई चीज अगर आपके वांट को सेटिस्फाई ना करे तो आपको हमेशा वो चीज क्या लगेगी, बर्डन लगेगी। ये रूल है डिफॉल्ट, समझ रहे हो आप कहने का मतलब। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि यूटिलिटी क्या है तो क्या बोलोगे आप, यूटिलिटी एक कैपेसिटी है, यूटिलिटी पावर है, किसका, कमोडिटी का। बोला कैसा कैपेसिटी है, कैसा पावर है, बोलने का वो पावर, वो कैपेसिटी जो इंसान की जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये समझा, पक्का, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको पहले अलग तरीके से सिखाता था जब बुक्स नहीं होते थे, अब काफी साल से टेक्स्ट बुक आने लगे, तो जब टेक्स्ट बुक नहीं हुआ करते थे सिर्फ सिलेबस आता था, इंडेक्स कैसा है, इंडेक्स के अंदर की पॉइंट दिए रहते थे, उसके हिसाब से हमको बुक बनानी है। या मार्केट में प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक आती है लाइक मनन प्रकाशन, मारियो डाइज, सेथ पब्लिकेशन, आयना पूरे बहुत सारे पब्लिशर्स होते थे उस जमाने में, तो उनका बुक यूज करते थे और अपना दिमाग यूज करते थे, मिला के कुछ बनाते थे और वही आंसर फिर एक ट्रेंड के जैसा चलता था सब जगह। लेकिन अभी अपने पास क्या आ गया, टेक्स्ट बुक। तो हमारे लिए हर एक चीज टेक्स्ट बुक से ही ओरिजिनेट हो रही है। हमने नोट्स भी बनाया तो टेक्स्ट बुक को ही उसमें कंसीडर किया, क्योंकि जब आपके पेपर बनते हैं तो पेपर के साथ एक येलो शीट बनती है जिसको कहते हैं आंसर शीट, वो आंसर शीट का एक एक शब्द टेक्स्ट बुक से उठाया जाता है, समझ रहे हो आप। मैं आपको बोलूं कि नहीं आप बहुत कुछ लिख के आ जाओ, आपका पेपर किसके हाथ में जाने वाला आपको क्या मालूम, यू डोंट नो हु विल बी द इवैल्यूएटर एंड हाउ मच नॉलेज दैट इवैल्यूएटर हैव, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी दैट इवैल्यूएटर हैव। बराबर, आपने कुछ अलग लिख दिया, इवैल्यूएटर ये है, आई एम नॉट जजिंग, बट इन इंडिया यू नो दैट इन द डिफरेंट लाइक योर पेपर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय मी और एनी स्पेसिफिक टीचर, इट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय एनी पर्सन। हो सकता है कोई गांव का स्कूल का रहेगा बंदा, कुछ नहीं आता उसको, बीएड झोलझाल में पास हो गया, जुगाड़ लगा के कॉलेज में हो गया, लिस्ट ऑफ टीचर्स आपको दिखते रहेंगे, बोलने भी नहीं आता है बट टीचर है, हो गया जुगाड़ में, डिग्रियां बिकती हैं, ऑन एयर बोल रहा हूं, बराबर। तो डिग्रियां क्या होती हैं, बिकती हैं, सबको मालूम है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बना रखी गई हैं, चलता ही नहीं कुछ, सिर्फ डिग्री खरीदने का, 25,000 रुपया दो तुमको मैं ग्रेजुएट बना देता है, चाहिए तेरे को सर, अरे क्या पढ़ाई क्या 3 साल सीधा, मतलब कुछ नहीं, आपको आंसर शीट आएगा, पेपर आएगा, बैठो घर पे लिखो, लेटर से पोस्ट कर दो, सर्टिफिकेट आएगा, कन्वोकेशन आएगा, मस्त दीवार पे टांगो, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम भी करवा, पीएचडी करवा देंगे, बाकी छोड़ो, पीएचडी सुना है नाम के आगे डॉक्टर लगता है, कौन पूछने आ रहा है कि सही में ज्ञान है या नहीं, डॉक्टर का डिग्री बिकता है, तुम्हारा ब्लैक बुक बनाना पड़ता है, 4-4 थेसिस लिखना पड़ता है, वो सब बिकता है एकदम मस्त, एक एक बुक 16,000 का पड़ता है, लाख रुपया खर्चा करो, नाम के आगे डॉक्टर, फिर देखो क्या मजा आएगा इंस्टा और फेसबुक पे एकदम टाइटल के आगे लिखने का। इसीलिए सबसे सेफ होता है येलो पेजेस, यानी कि बुक को फॉलो करना, क्योंकि आप अगर उसके हिसाब से लिख रहे हो तो आप सेफ में हो। अगर अच्छा इवैल्यूएटर है, उसका भी अप्रोच आपके जैसा डायनामिक है, तो वो आपका आंसर पढ़ के खुश होगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है। लेकिन अगर वो एकदम रिजिड थॉट्स का है या फिर उतना ज्यादा डायनामिक नहीं है आपकी तरह, बराबर, तो एकदम आंसर शीट को ऐसा कट टू कट फॉलो करेगा, बोलेगा अच्छा खुद को हीरो समझ रहा है, ज्यादा लिखा है, काट मार्क्स इसका। सो वी दैट्स वाई वी ऑलवेज फॉलो बुक, दैट्स वाई वी ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर द कंटेंट विद द बुक, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। कई बार ऐसा भी होता है कि ईयर्स का मिसमैच है, बट वी हैव टू फॉलो द बुक। वाई वी हैव टू फॉलो द बुक, बिकॉज आंसर शीट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, बराबर। तो उसके हिसाब से ये दो मीनिंग हमारे बनते हैं, यानी यूटिलिटी के बारे में कुछ भी पूछा गया तो पहले हम ये दो चीज लिखेंगे, दैट यूटिलिटी इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी और कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स को आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो,
फीचर्स को आप पेक्यूलैरिटीज कह सकते हो, फीचर को आप नेचर कह सकते हो. सो फीचर्स कैन बी एनीथिंग. फीचर्स कैन बी, सो रहे तू, फिर फीचर्स कैन बी एनीथिंग. एनीथिंग कैन बी अ फीचर इफ इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ यूटिलिटी. एनीथिंग कैन बी अ फीचर. मैं आपको 10 पॉइंट सिखा के जा रहा हूं, उसके अलावा कुछ आपको नया लगा कि सर ये भी यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है, दैट कैन बी अ फीचर. फीचर्स कैन बी गुड, फीचर्स कैन बी बैड. डोंट ऑलवेज कंसिडर दैट गुड फीचर्स आर द फीचर्स. बराबर. जैसा इंसान का स्वभाव, तो स्वभाव में अच्छा चीज भी आएगा और बुरा चीज भी आएगा. बराबर. कबीर सिंह गंजेड़ी है लेकिन डॉक्टर है. फीचर समझा रहा हूं तुमको. ही इज अ ड्रग एडिक्ट बट ही इज अ डॉक्टर. सो बोथ आर द फीचर, ड्रग एडिक्ट एंड. सो कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी गुड कैन बी बैड. शकल से अच्छा दिखता है लेकिन बहुत कमीना इंसान है. बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक. शकल से अच्छा दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक. इंसान बहुत कमीना है, कैरेक्टरिस्टिक. बराबर. टॉल एंड हैंडसम क्रिमिनल, कैरेक्टरिस्टिक. टॉल हैंडसम क्रिमिनल. सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स. दे कैन बी गुड, दे कैन बी बैड. दे विल गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट यूटिलिटी, जिससे आप यूटिलिटी को और बेहतर समझ पाओगे. बराबर. और बहुत सारी चीजें जो आप यूटिलिटी के बारे में सोचते थे, वो आपके विचार बदल जाएंगे आज से. तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूं, मतलब फीचर्स में आप पॉइंट कहीं से भी लिखो चलेगा. आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट चलेगा. जब बात आएगी प्रोसीजर्स की, किसकी, स्टेप्स की, वहां पे आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है. जैसा लिखा है एकदम वैसा ही लिखना है. बट अच्छी बात है कि इको में ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ एक है. खुश हो जाओ. हाँ, जो इस बार 8 मार्क्स के लिए आया था. नेवर आस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स, दैट क्वेश्चन वॉज नेवर आस्ट इन लास्ट 20 ईयर. अर्लियर इट वॉज इन 11th स्टैंडर्ड एंड कॉलेज पीपल यूज टू से ये ऑमिट है. रहता था 11वीं में रहता था और क्या बोलते थे, ऑमिट है. दो सम देख के जाओ. सम तो आता ही नहीं था एक्चुअली. दो क्वेश्चन पढ़ाते थे उसमें से, सिर्फ एक इंपॉर्टेंस और एक लिमिटेशन. सीधा डाल दिया स्टेप्स. हैप्पी बर्थडे. अब वो स्टेप्स किसी ने पढ़ा ही नहीं था. थिंकिंग ऑफ दैट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. बट क्या हो गया, पहला क्या होता था कि बुक बनाने वाले और पेपर बनाने वाले दोनों लोग सेम थे. अपना बुक का जो काम है ना, वो बोर्ड ने किसको दे दिया, बाल भारती को. पहले बाल भारती नहीं बना रहा था 11वीं 12वीं के बुक, कोई भी बुक. अब पूरा बाल भारती बना रहा है. और पेपर बनाने वाली टीम हो गई है दूसरी. तो अब इसके वजह से क्या हो गया कि दोनों इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. पहला सिखाने बनाने दोनों वाले सेम थे. अब सिखाने वाला अलग, किताब बनाने वाला अलग, पेपर बनाने वाला अलग. समझ रहे. तो अब ऐसा है कि तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर है या नहीं ये भी पता चल जाएगा. पढ़ाने वाले ने सही पढ़ाया या नहीं ये भी पता चल जाएगा. और जो पेपर बना वो प्रॉपर बना नहीं वो भी पता चल जाएगा. तो तीनों चीजों को डिवाइड कर दिया, जिससे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. बराबर. जिसकी वजह से आपको भी याद रखना है कि अपने को भी कुछ ऑप्शन में रखने का नहीं. तो फीचर्स आप किसी भी वे में जाओ, आपको फीचर्स का कंसेप्ट समझना है. इससे ऑब्जेक्टिव्स बनते, इसी में से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ट्रू फॉल्स मैच द पेयर गिव रीजन सब में हेल्प करेंगे. दिस सिंगल क्वेश्चन इज कैपेबल ऑफ बींग आस्क्ड इन 8 डिफरेंट वेज. हाउ मेनी, 8. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुलनेस. सो अगर मैंने आपसे पूछा रहता यूटिलिटी क्या है बिना डेफिनेशन समझाए, तो आप पहला वर्ड ही बोलते सर यूजफुल. अब मैंने इधर क्या लिख दिया, यूटिलिटी इज नॉट अ, यानी यहां पे अब आपका थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन आया कि इफ यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुल देन व्हाट यूटिलिटी इज. सो यूटिलिटी रेफर्स टू अ वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. यूटिलिटी रेफर्स टू अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. वेयर एज यूजफुलनेस रेफर्स टू अ गुड बैड फॉर हेल्थ. बराबर.
समथिंग गुड और समथिंग बैड फॉर हेल्थ, यूजफुल हार्मफुल, ऐसी चीजों से रिलेट करता है क्या? यूजफुलनेस. हाँ गुड ही रहता है, मतलब प्रोडक्ट में यूजफुलनेस है तो अच्छा है, यूजफुल नहीं है तो बुरा है. बोलते ना दिस इज नॉट हेल्दियर, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू. कुछ तो बना रहे हम लोग, बना दो ठीक, नहीं बना दो कोई बात नहीं, समझ गया ना. देखा इसको बोलते हैं टैलेंट, बहुत कम लोगों में हुनर होता है. सो व्हाट डू यू थिंक, सो व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक दैट दिस कमोडिटी इज गुड फॉर हेल्थ? सो व्हेन इट कम्स टू अ स्मोकर, सो स्मोकर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम सिगरेट, बट दिस इज नॉट. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल. समझा? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट. यूटिलिटी रेफर्स टू अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वेयर एज यूजफुलनेस इज कंसर्न विद द गुड और बैड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी फॉर द हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट हैविंग यूटिलिटी फॉर द स्मोकर बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर द हेल्थ. इवन इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ, चलो अब देखो. तो यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट. व्हाट इज यूटिलिटी? रिलेटिव कंसेप्ट मीन्स यूटिलिटी रिलेट्स टू टाइम एंड यूटिलिटी रिलेट्स टू प्लेस. दैट इज यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी changes from time to time and utility of commodity changes from place to place. Utility of commodity changes from time to time and utility of commodity changes from place to place. For example, it's all about example. When it comes to a time, let's take a example, chhata banate hain aur barish mein jaate hain. हाँ नहीं अच्छा चुभे बढ़िया. सो दिस अम्ब्रेला हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन रेनी एंड समर सीजन. यूज इट इफ यू डोंट, नॉट बिकॉज यू आर नाजुक, बिकॉज नाउ दैट रेज आर नॉट द रेज लाइक इट वॉज अर्लियर इन आवर टाइम. इट्स रियली अ बैड रेज, इट कैन क्रिएट यू सो मैनी स्किन डिसीजेस. सन बर्न चलता था, वो हमारे टाइम पे था, सब बर्न सन से ही हुआ है, लेकिन तभी ओजोन में दम था. अभी तुमने इतना सारा चीज इस्तेमाल किया कि ओजोन गायब हो रहा है, तो अभी सीधा आता है तुम्हारा और उसका बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. हाँ तो अगर आपको बचपन वाला सब यूज करने जाना, तो आप इसमें ना ऐसा कलर फिलिंग कर सकते हो, दैट रैम्बो अम्ब्रेला स्कूल में लेके जाते थे. हाँ अदरवाइज this is okay. So umbrella have a greater utility in rainy season and summer season, but have no utility in other season. भाई इंडिया में रहते हो तुम लोग, लेकिन बाकी लोगों को भी समझने दो किधर घूमने गए तो स्प्रिंग ऑटम क्या क्या पता नहीं अपने को, तीन ही बताया गया है. तू समझ, हमारे टाइम पे स्कूल में तीन ही था. हाँ नहीं तो बाद में पता चला कि बहुत सारा होता है, किधर बर्फ गिरता है तो किधर ऐसा वाटर ब्रीजेस आते, सिर्फ बारिश नहीं होती है, तो अलग अलग प्रकार का बहुत सारा सीजन है. सो इट इज यूजफुल ओनली इन टू सीजन विच इज रेनी सीजन एंड समर सीजन, बट आई हैव नो यूटिलिटी इन अदर सीजन. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन, बट आई हैव नो यूटिलिटी इन. बाकी आप पहन के आ रहे तो अलग बात, फिर से यू हैव करेज. सो व्हेन इट कम्स टू एप्पल, सो मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे थे एप्पल का फार्मिंग, बराबर सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कश्मीर एंड हिमाचल,
तो आप यहां से अगर ये ट्रांसफर हो गए किधर आ जाता है, मुंबई, तो इसका यूटिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। कौन सा यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। वैसे अगर हम मैंगो की बात करें, रत्नागिरी अल्फांसोस टू द अदर प्लेसेस, उसका यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया किसका, सैंड। तो हाँ, नदी के किनारे जो रेत होती है ना, जैसा यहां पे तो रेती मिलता नहीं है, बालू, हिंदी में बालू कहते हैं उसको, सैंड। सैंड समझ रहे, समझा ना? हाँ। तो खास करके दैट रेड सैंड बहुत पॉपुलर है, कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है। आप नॉर्दर्न साइड के कंस्ट्रक्शंस देखोगे तो वहां पे 100-200 साल तक घर टिके रहते, कुछ भी नहीं होता घरों को। आप ईंट फोड़ने जाओगे हैरान हो जाओगे, मिट्टी से चिपकाया हुआ ईंट है, टूटते नहीं है। पहले अपनी तरह की भी बिल्डिंगें कितनी मजबूत रहती थी, रेती से बनती थी, अभी रेती निकालना मना हो गया, तो अभी वो बिल्डिंग में दम नहीं आ पाता जैसा पहले होता था। अभी साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डरना चाहिए कि गिर जाएगी बिल्डिंग अभी, इफ इट इज ऑथोराइज अच्छा है, लेकिन वैसा दमदार नहीं है। पहले 4 माले का बिल्डिंग बनता था क्योंकि उससे ज्यादा लोड ले ही नहीं सकता, दीवार में वजन होता था उतना। ड्रिल करने जाओगे, ड्रिल के ना नेल्स टूट जाते थे, लेकिन आप ड्रिल नहीं कर सकते। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है ना, आप ट्राई करना कभी, आपको दिखेगा कि ड्रिलिंग मशीन के नेल्स कई बार टूट जा रहे हैं। सो दिस इज वॉट वी यूज टू सी द क्वालिटी, बट नाउ देर इज नो सच क्वालिटी। तो नॉर्दर्न साइड में क्या होता है कि उनके पास सैंड अवेलेबल होता है, क्या करने का, ट्रैक्टर लाना है, सैंड भरना है, लेके जाना है। तो जो नदी के किनारे सैंड पड़ा हुआ है उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, या उतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाते हैं उसकी यूटिलिटी क्या होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, बराबर। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, रिलेटिव कंसेप्ट। सो यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, इट रिलेट्स टू टाइम, इट रिलेट्स टू प्लेस। यहां पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कौन सा एग्जांपल, समझ लो ये वुलन क्लोथ है, ये एक हाथ पतला है, सो ऑन द वन साइड वी हैव ट्रॉपिकल कंट्री, हाँ हमारा देश ज्यादा करके प्लेसेस क्या है, गर्म है, और दूसरी तरफ है कोल्ड कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में इन चीजों का डिमांड कम रहता है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है वुलन क्लोथ की, बराबर। ओसवाल इज अ ब्रांड, नहीं पता, हाँ ओसवाल एक बहुत बड़ा ब्रांड है विंटर आर्टिकल्स का, तो मतलब वुलन क्लोथ्स में बहुत ज्यादा डील करते हो लोग। तो अभी यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है लेकिन जाता किधर है, कोल्ड कंट्रीज में। जैसे ही यहां से कोल्ड कंट्री में जाता है उसकी यूटिलिटी क्या होती है, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। तो दो पॉइंट हमने समझा। अच्छा यहाँ पे वेजिटेरियन लोग कितने हैं, मतलब इधर तो टक्कर का एसपी में, तो मतलब कुछ नहीं था, ऐसा 4-5 ही नॉन वेजिटेरियन थे, इधर टक्कर है। आइए देखो, एक तरफ वेजिटेरियन है, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन है, बराबर। तो पार्टी थ्रो किया गया, लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेन्यू बनाया गया फ्रॉम वेज टू नॉन वेज, लोग आए, बराबर। लोगों के आने के बाद व्हेन दे लिफ्टेड द टॉप ऑफ ईच पर्टिकुलर बाउल, देर वॉज ऑल द चिकन मटन एंड फिश एंड एग आइटम्स। वेज तो कुछ है ही नहीं, लिखा तो क्या क्या था, बराबर। शाही पनीर आजकल वो ज्यादा चल रहा ना, क्या सोया चाप, आजकल नया डिश आया मार्केट में सोया चाप। हाँ तो टाइम, सब्जेक्टिव कंसेप्ट मीन्स इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। आई देखो, वेज नॉन वेज दोनों वाले पहुंच गए ईटरी डेस्क पे, वहां पे डब्बे निकाल दिए, सब नॉन वेज है, पार्टी थी, बराबर। डिश एक से एक था, सब पेट साफ रख के आए थे, सुबह से कुछ नहीं खाना, सीधा जाके क्या करना है, पार्टी में खाना है। अब वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो लोगों को ना गीला कपड़ा पेट पे बांधना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में कुछ भी उनके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो सिर्फ ये पार्टी रखी गई थी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए,
कि क्या ऐसा हो सकता है, भूख ज्यादा तो छोड़ खाना तो खाना होता है, खा ही लेते हैं, बराबर ऐसा होगा नहीं, नहीं। देखा लोगों ने सीधा ना बोल दिया। कहने का मतलब क्या है कि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, चीज वही है लेकिन उसका जो यूटिलिटी है क्या हो रहा है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी वही सेम चीज एक बंदे को यूटिलिटी दे रही है और वही सेम चीज दूसरे बंदे को यूटिलिटी नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल सो ऑन द वन साइड वेयर वी हैव वेजिटेरियन हैव नो यूटिलिटी, वेयर वी हैव नॉन वेजिटेरियन देयर वी हैव यूटिलिटी। इधर और भी कुछ रख सकते हैं हम लोग, पेन बुक, लिटरेट को यूटिलिटी, इलिटरेट को यूटिलिटी नहीं है, बराबर, लिपस्टिक, नेल पेन, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी पहले ही। आज भी हमने पढ़ा ये, हमने स्टार्ट किया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेटिव कंसेप्ट पढ़ा हमने, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो हाँ थोड़ा ही दिख रहा चीज, ज्यादा नहीं लिखा वहां पे, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम, हाँ एग्जाम्पल दिस इज अदर सीजन, वो मतलब सो इट रिप्रेजेंट्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन रेनी एंड समर सीजन बट हैव नो यूटिलिटी इन अदर सीजन, राइट। यूटिलिटी रिलेट्स टू प्लेस, दैट इज यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रॉपिकल टू कोल्ड कंट्री, एंड हियर वी हैव कश्मीर टू मुंबई, समझा। अब उसके बाद सब्जेक्टिव कंसेप्ट हमने पढ़ा, दैट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई वी से दैट यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैंने चिकन लिखा था, वो ये चिकन नहीं था, अरे कोमड़ा, हमने आफ्टर चिकन की बातें करी थी, दिस चिकन। अगर ये नहीं समझ रहा है तो ये वाला समझेगा आपको जल्दी से, बराबर। तो वेजिटेरियन लोग बुरा मत मानो, देखो आपको And here we have Mr. So have you? बस ग्रीन है तो है, अरे भाई वो चिकन मतलब जिंदा चिकन है, उसका बात नहीं कर रहे, उसके बाजू वाले का बात कर रहे। पुराने जमाने में लोग अलार्म के लिए उसको भी रखते थे वेज होने के बाद भी, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, हाँ लेकिन अब लोग रखते नहीं है ना उसको, अब मोबाइल ही है पास में है, बनाते भी ना बाद में बनाते भी रहेंगे ना। क्या दिया हमको, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, तो अभी ये दोनों टर्म क्या है, इंटरचेंजेबल है। जहां पे यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, और यूजफुलनेस का मतलब क्या है, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। तो यहां पे हमने लाया किसको, मिस्टर स्मोकर को, बराबर वो आधा ही दिख रहा है, वो सिगरेट है इसलिए बाजू में बना नहीं, मतलब जिंदगी ब्लर हो जाती है इसे। सो दिस सिगरेट हैव यूटिलिटी, बराबर। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, वी कैन सी दैट वी हैव स्मोकर, वी हैव अ सिगरेट एंड वी हैव टू डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी कैन सी दैट इट कंटेन्स अ यूटिलिटी बट व्हेन इट कम्स टू अ यूजफुलनेस इट हैव नो यूजफुलनेस।
यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, दिस इज द पॉइंट. प्लेजर मतलब क्या? तो अभी हमने देखा स्मोकर एंजॉइंग द सिगरेट, हैविंग यूटिलिटी हैविंग प्लेजर. हंग्री पर्सन, बहुत भूख लगा है, कुछ खाना खाया, टेस्टी खाया, गेटिंग द हंगर सेटिस्फाइड यूटिलिटी, अच्छा भी लगा, प्लेजर. बराबर. फीलिंग बोर्ड, वेंट ऑन अ टूर, यूटिलिटी भी मिल रहा है, मजा भी आ रहा है. बराबर. गोइंग टू अ डीजे पार्टी. बराबर. गोइंग विथ समवन ऑन अ डीजे पार्टी, ओके, आई मजा आ रहा है. मजा नहीं आ रहा बोलता है. अरे सत्संग थोड़ी बोला, डीजे पार्टी बोला था. तो सत्संग में ज्यादा मजा आता. कौन है भाई वो? अच्छा मिला, ठीक है. देखो तो प्लेजर जो है, थर्स्टी पर्सन कंज्यूमिंग अ वाटर गॉट द प्लेजर. धूप लग रहा है, एसी में आ गए, गॉट द प्लेजर. ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट जोड़ लो, आपको लगेगा यूटिलिटी मिल रहा है तो मजा भी आ रहा है. बराबर. तो चलो आप घर जा रहे हैं तो घर जाने की बात करते हैं. किधर जा रहे हैं? घर. बराबर. तो अब आजकल छुट्टी का टाइम है, टर्फ देखोगे ना, सारे टर्फ बुक है. टर्फ पता है ना सबको, ग्राउंड्स बना रखे नकली वाले. हाँ, पहले लोग सिक्स मारते तो लगता था कि हाँ सिक्स जा रहे हैं, अभी तो कुछ भी होता है. बराबर. बिल्डिंग से छोटा टर्फ रहता है, उसमें सिक्स भी आ जाता है. तो प्लेयर नकली होते जा रहे, ग्राउंड नकली होते जा रहे, सब चीज जा रहा है. लेकिन फिर भी है, चलो पब्लिक के पास एक एडवांटेज है. व्हाट? टू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट. तो अब लोग टर्फ खेल रहे हैं. अब आपने देखा टर्फ में खेल रहे सीजन, बहुत सारे लोग टर्फ ले लेते भाड़े पे और प्रैक्टिस करते उधर ही सीजन का. तो आप बोले कि क्या पता बॉल विल उड़ के बाहर आ गया, टकला फूट जाएगा अपना. तो हमने बोला कि हम रोड के वो साइड से चलेंगे, इधर टफ, आप रोड के वो बाजू से जा रहे एकदम अच्छे से. फिर भी बॉल बाहर आया और रोड के बाजू में आया और बराबर आपके तरफ आया, लेकिन आपको लगा नहीं, आपके पैर के बाजू में गिर गया. नहीं नहीं आगे का सुन तो, अभी देख तेरे पैर के बाजू में गिरा, उधर बाजू में कुत्ता बैठा था और बराबर उसका सेपुट पे गिरा. अब तेरी गलती नहीं है, देख गलती है, बराबर सेपुट पे गया, उसको लगा कि तूने हैरान किया उसको, और फिर उसने क्या किया? हाँ, तो एकदम प्यार से काटा उसने तेरे को. तू भी ऐसा देख रहा था तो पकड़ लिया, ले आ जा, आज का दावत पूरा हो गया. अब इसके बाद क्या हो जाता है, डेफिनेटली देयर विल बी अ इन्फेक्शन ऑफ टिटनेस, रेबीज एंड पॉइजन. अब पहला दिन लगता है 3 इंजेक्शन. बराबर. टिटनेस भी वैक्सीन है, हाथ सूज जाती है. बराबर. कमर पे मत लेना. फिर दूसरे हाथ पे लगेगी रेबीज और पॉइजन वाली इंजेक्शन लगेगी बराबर जिधर काटा है उस घाव के अंदर, वो वाला और मजा देता है. तो अभी मैंने क्या बोला, वो वाला और मजा देता है, तो बिल्कुल भी मजा नहीं देता है. लेकिन अगर आप इंजेक्शन नहीं लेते तो आपके दोस्त लोग अलग अलग चीजें, भाई मेरी मम्मी बोल रही थी बारिश में कुत्ते ऐसा भोकेगा तू. बराबर. पहले लोग जब 24 इंजेक्शन का जमाना था ना, पेट में इंजेक्शन लगती थी एकदम प्रॉपर नाभि के इधर, वो भी इंजेक्शन कैसे हो, गाय भैंस को कैसे एकदम ऐसा इंजेक्शन देते थे. और यू विल बी लाइक, मतलब डॉक्टर आपके सामने से इंजेक्शन लेकर आया, अरे भाई क्या कर रहे हैं आर पर. पहले लिटरली ऐसे इंजेक्शन देते थे, बाद में प्राइवेट सेक्टर में आया नॉर्मल इंजेक्शन 7-24 की जगह पे रैबीज का. लेकिन गवर्नमेंट में वही चलता था 24 वाला, तो फिर लोगों ने प्राइवेट में इंजेक्शन लेना चालू किया. अभी तो फिर भी आज भी चला जाता है लोगों का 7-8 हज़ार रुपया, लेकिन अब इंजेक्शन 4 हो गए 3-4 ऐसा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बाइट. बराबर. प्यार से या
बहुत सारे लोग कुत्ते को ही इंजेक्शन दिला देते हैं घर में रखा है तो, क्योंकि वो तो उनको आए गए काटते रहता है. सो देयर इट कैन बी लाइक दे डोंट नीड अ वैक्सीन. बट पहले ऐसा होता था कि क्या बोलेंगे मालूम है, 7 साल के बाद अगर तूने इंजेक्शन नहीं लेना तो कुत्ता बन जाएगा. और इंसान मान लेता था कि हाँ कुत्ता बन जाएगा तो. बट दिस वॉज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ फियर सो दैट वन शुड टेक द इंजेक्शन. क्योंकि आपको अगर कोई बोले कि भाई 12 इंजेक्शन पेट में लगने, 24 इंजेक्शन, तो पहले आदमी बोलेगा जान दे, बारिश में ही कुत्ते सी आवाज निकलेगी ना, चला लेंगे. सो व्हाट आई मीन टू से, बात आ जाती है वापस से, मजा आया क्या? कभी ऐसी इच्छा होती है अपन बोलते यार बहुत दिनों का इंजेक्शन लेके चलो इंजेक्शन ले आते हैं, या फिर गए डॉक्टर के इधर, डॉक्टर आज इंजेक्शन खाने का मन है. सो वी नेवर डू दैट. व्हाई वी नेवर डू दैट? बिकॉज इट नेवर गिव्स प्लेजर. सो ऑलवेज डू रिमेंबर, यूटिलिटी मिलेगा इसका गारंटी है, मजा आएगा इसका गारंटी नहीं है. वी हैव एग्जांपल्स. सो दीज थिंग्स कैरी अ यूटिलिटी, यस, बट डू दे प्रोवाइड प्लेजर? समझा? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. एथिकली न्यूट्रल यानी एथिकल का मतलब होता है सोशल, और न्यूट्रल का मतलब होता है ब्लाइंड. सोशली ब्लाइंड, मोरली कलरलेस, हैविंग नो एनी सोशल थॉट्स, सामाजिक तौर पर अंधा, क्या सही क्या गलत, क्या सामाजिक क्या असामाजिक, कुछ भी नहीं सोचता है कौन? यूटिलिटी. बराबर. डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. बराबर. अच्छा, साथ में नहीं करने का, पहले पीने का बाद में चलाने का, ऐसा भी नहीं. हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग जिनका इंग्लिश तंग रहता है लोग, अच्छा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दोनों साथ में नहीं करना है, एक टाइम पे एक ही करना है. ठीक है, अच्छा सोच रही गवर्नमेंट. सो दे हैव देयर ओन मीनिंग, दे हैव देयर ओन डिक्शनरी. बट पुलिस ने पकड़ लिया, व्हाई यू ड्रिंक एंड ड्राइव द व्हीकल? हाँ तो क्या हो गया उससे? आई हैव कंज्यूम्ड अ स्मार्ट अल्कोहल. बोला वो क्या होता है? जब गाड़ी चलाएंगे ना तभी नशा नहीं होता. उसका अंदर हमने गूगल का टेंसर चिप डाला है. व्हेन वी कंज्यूम इट, इट्स लाइक ओके आई एम जस्ट लाइक अ वाटर. जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे ना फूल एकदम चढ़ जाएगा. हाँ, नाउ आई एम हाई. तो बोला पॉसिबल है क्या? सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन डू थिंक इज इट पॉसिबल? नहीं. बोला ऐसा नहीं हो सकता. बोला मान लो ऐसा नहीं है तो मेरी क्या गलती है उसमें? गलती तो दारू की है ना, मेरे को प्यास लगा था, कुछ मिला नहीं, मैंने पी लिया. गलती किसका है? दारू का है. बराबर. अब ऐसे ही हो गया, बात आ गया किस चीज का? चाकू का. बोला दुकान वाले, बोला कुछ भी काट के देखो. मैंने काट दिया उसका हाथ. तो मेरा क्या गलती है इसमें? बोला हाँ चाकू का गलती है, उसने काय को काटा. सो इज इट पॉसिबल? गाड़ी का काम चलने का है, अब तुम रोड पे चला रहे हो या इंसान पे चला रहे हो? नहीं, ऐसा किसी का नाम नहीं लेने का, पागल है. जॉली एलबी पार्ट 1. हाँ, तो अभी कहने का मतलब क्या है कि वो तो गाड़ी है, उसको क्या मालूम? मालूम किसको है? चलाने वाले को. समवन हिट द बुलेट, वो क्या जाके रुकता है? ओके इनोसेंट, चलो वापस. गिल्टी, लेट्स किल हिम. नहीं, ये चीजें जो है वो न्यूट्रल है. उनका काम, चाकू क्यों खरीदा खरीदने वाले ने? काटने के लिए. अब क्या काटना है उस पर डिपेंड करता है. बराबर. When someone hitting towards a target, what's the target? That depends upon the shooter, not on the bullet. It's a vehicle. What is the purpose of vehicle? To drive. Now it depends on you, where you are driving it. On the road, on the foot road, or on the people. Agarwal College के इधर भी हुआ था एक बार. 8 जन के ऊपर Fortuner चढ़ा के गया था. मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा भाई. उधर आगरी और कुनबी लोगों का मैटर हुआ था.
वो 8-9 लोगों के ऊपर चढ़ा के भैया उसमें एक मेरा भी स्टूडेंट था जो मरा था। उसके बाद उनको उड़ाने के बाद गाड़ी में डाले, खेत में लेके गए, उधर तलवार विलवार से मारे थे, समथिंग लाइक दैट। उस टाइम का एकदम हॉट न्यूज था। तब से कोई बोलता है कौन सा कॉलेज अग्रवाल में, बोला ऑल द बेस्ट। तुम लोग पैदा हुए रहोगे अच्छे से, मतलब नहीं नहीं नहीं, यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल, यूटिलिटीज मुलारी कलरलेस, यूटिलिटीज सोशली ब्लाइंड, यूटिलिटी हैव नो सोशल वैल्यूज, यूटिलिटी नेवर टॉक्स अबाउट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी सिर्फ एक ही चीज बोलता है, क्या मेरा काम है पब्लिक का वांट सेटिस्फाई करना। अब उसका वांट अच्छा है या उसका वांट बुरा है, वो कुछ सही काम के लिए मेरे को खरीद रहा है या गलत काम के लिए, वो मेरा वास्ता, मेरे को क्यों खरीदा, उसका वांट सेटिस्फाई करने के लिए, तो मैं उसका वांट सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल, नाइफ कैन बी यूज बाय मम्मी टू कट वेजिटेबल एंड इवन कैन बी यूज बाय यू टू किल समवन। तो सब मिला जुला के आपको ये पॉइंट समझा। सो हमने क्या पढ़ा, यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज नॉट अ प्लेजर, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो आप सारे पॉइंट्स के नाम बताओ, जरा लिख देते हैं। यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नॉट अ प्लेजर, मतलब यहां पे क्या लिखा, दे कैरी यूटिलिटी, यस, डू दे प्रोवाइड प्लेजर, डिपेंड करता, अगर आपको मजा आता तो अलग बात है, सो इट डज नॉट प्रोवाइड प्लेजर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एथिकली न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल, एथिकल मीन्स सोशल एंड न्यूट्रल मीन्स, सो इट्स मोरली ब्लाइंड और सोशली कलरलेस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से, मीन्स इन सिंपल वी कैन से दैट इट हैव नो एथिकल वैल्यूज, और नो सोशल वैल्यूज, यानी आप यूटिलिटी से मैनर मत एक्सपेक्ट करो। यूटिलिटी का एक ही काम है, वांट सेटिस्फाई करना, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो वांट सेटिस्फाई करेगा, मतलब करेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूटिलिटी इज नॉट अ सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी अगेन वन एंड द सेम थिंग, व्हाट इज यूटिलिटी, यस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, सेटिस्फेक्शन इज रिजल्ट ऑफ यूटिलिटी। ऐसा कहा जाता है यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी इज, यानी हमने कोई भी चीज कंज्यूम क्यों किया, क्योंकि हमको यूटिलिटी चाहिए था। सेटिस्फेक्शन क्या है, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, लिखो, एक काम करो, यूटिलिटी नहीं, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे हम, कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन इज द प्रूफ दैट कमोडिटी हैव और हैड यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन इस बात का प्रूफ है कि कमोडिटी में यूटिलिटी था। व्हाट यू डिराइव बिफोर कंजम्पशन इज यूटिलिटी, व्हाट यू डिराइव आफ्टर कंजम्पशन इज सेटिस्फेक्शन। चीजों को खाते वक्त, खा लेने से पहले, खाते वक्त जो मिल रहा है वो क्या है, यूटिलिटी, खाने के बाद पेट भर गया बस हुआ, सेटिस्फेक्शन। सो व्हाट वी डिराइव बिफोर इज यूटिलिटी एंड व्हाट वी डिराइव आफ्टर इज सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट, समझाइए।
यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. Now, if we are saying that utility is a hypothetical concept, it means what? इसका मतलब क्या होता है? Utility hypothetical है. Hypothetical, that's what? हाँ. We can say that utility is imaginary. अब यहां पे दो चीजें हम discuss करेंगे जिससे इस point को समझेंगे. जहां पे एक तरफ हम इसको बोलेंगे दैट यूटिलिटी इज इमेजिनरी में, क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो एक तरफ हम बोलते हैं कि यूटिलिटी क्या है, इनटेंजिबल, और दूसरी तरफ हम बोलेंगे यूटिलिटी को इमेजरेबल. व्हाट इज इनटेंजिबल ऑल अबाउट? So here when we say utility is intangible or whenever we say utility is immeasurable, it means what? So when we say utility is intangible, it means we cannot see it, we cannot touch it, we cannot smell it, we cannot hear it. यानी उसके अंदर कोई भी physical properties नहीं होती है. It is just a experience or inner feeling of consumer. It is just a experience or inner feeling of consumer. When we say utility is immeasurable, means it cannot be measured in numbers. इससे ही कनेक्ट करो ना, फीलिंग है. आप कहीं बोलते हैं मैं 100 किलो दुखी है या मैं 250 किलोमीटर खुश है. कैन यू एक्सप्रेस थिंग्स लाइक दैट? नो, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन. वी कैन नेवर एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस इन सच वे, इन सच नंबर्स. व्हाई इट इज इमेजरेबल? बिकॉज इट इज अ फीलिंग, इट इज जस्ट अ एक्सपीरियंस. यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड इन नंबर्स. इट इज नॉट कार्डिनल. यूटिलिटी कार्डिनल नहीं है. It is ordinal in nature. That is, it can be ordered or numbered, but it can never be measured. It can be ordered, it can be, but it can never be measured. So what is utility? Utility is a cardinal concept. Utility is? येड़े लोग क्या सीखते तुम लोग? Utility is not a cardinal concept. Utility is ordinal concept. It can be ordered, it can be numbered, but it can never be measured. ऐसा में दो दिन बाद यानी दो लेक्चर बाद मैं ही सिखाऊंगा. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर. फिर भी याद रखने का, यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल. सिखाऊंगा मैं, कार्डिनल है, लेकिन आपको याद रखना है कार्डिनल नहीं है. क्योंकि एक लॉ में एक अजम्पशन है, जबरदस्ती माना गया है. क्योंकि नहीं मानेंगे तो लॉ ही नहीं समझेगा. बट रियलिटी में जब भी आपको पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में तो नहीं पूछेंगे, ट्रू फॉल्स में ही पूछेंगे. यूटिलिटी इज कार्डिनल इन नेचर. तो लॉ आपको वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट रहेगा, वो मेरा गारंटी है. तब आप लिख दोगे हाँ कार्डिनल है. नहीं, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल. बराबर. यू कंज्यूम 4 पीसेस ऑफ मैंगोस, छोटा छोटा, ओरिजिनल ट्री से, पेटी में वाला नहीं. अब आपने 4 आम खाए, पहला आम बहुत मीठा था, बहुत डिलीशियस था, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिला. दूसरा आम खट्टा निकला, बराबर, लेकिन अच्छा लगा आपको, आपने वो भी खाया. तीसरा आम का फर्स्ट वाले से भी ज्यादा डिलीशियस था, और चौथा आम एकदम फीका था. तो अब आप क्या बोलोगे? जो थर्ड वाला खाया ना, वो सबसे अच्छा, नंबर 1, फर्स्ट वाला नंबर 2, सेकेंड वाला नंबर 3, एंड लास्ट वाला नंबर 4. सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर ऑर्डरिंग इट, यू आर रैंकिंग इट, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स हाउ गुड इट वॉज, हाउ बैड इट वॉज. क्योंकि आपको आपका फीलिंग एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एंड फीलिंग कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन numbers.
तो समझा आपको ये। उसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। इसका मतलब है कि जिस कमोडिटी में यूटिलिटी है हम उसको एक से ज्यादा पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। अगेन आई रिपीट, कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल वॉट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो रहे तू? नहीं ना सोना मत। वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पज ऑफ लाइट, फॉर द पर्पज ऑफ एयर, फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग द फैक्ट्री, फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग द इंडस्ट्री, फॉर द पर्पज ऑफ आयरनिंग द क्लोथ, फॉर द पर्पज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। चार्ज द फोन, हाँ ये कौन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। मैं इधर सिर्फ लिखता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है कि कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस विद चेंज इन पर्पस। Inverter can take a load of only fan or light. What you will prefer to have? Light के लिए use करेगा कम utility मिलेगा, fan के लिए use किया utility क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। You can either charge a phone or you can have a fan. नहीं नहीं मतलब तो कहने का मतलब क्या है कि देख रहे हो आप जैसे ही purpose बदल रहा है यूटिलिटी क्या हो रही है, या कई बार कम भी हो सकती है। सो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन पर्पस। तो ये आपको टोटल हो गए कितने, 8 पॉइंट बराबर। पॉइंट नंबर 1, यूटिलिटी इज नॉट अ यूजफुलनेस। देन यूटिलिटी इज रिलेट्स टू प्लेस, एथिकली देन यूटिलिटी इज। देखा समझा,